इतना की बुबला बू, महाराज का पेट खोल तू। महाराज जय की महारानी, गौरव देश के महान तांत्रिक पाशा, ध्यान से सुनो, हमें सच्चाई का पता चल गया है। तुम्हारे लिए आने वाला कल अशुभ है। भविष्यवाणी है कि तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। साफ साफ कहो। तुम्हारी जान लेगा रानी की कोख में पल रहा बच्चा। जन्म से पहले ही मार दिया जाएगा। सच्चाई को नहीं बदला जा सकता। हाँ, मरेगा मरेगा। सावधान, महाराज जय पधार रहे हैं। क्या तुम एक नवजात शिशु की बलि देने वाले हो तांत्रिक पाशा? हाँ, सबकी भलाई के लिए बलि देनी ही होगी। नहीं, मैं तुम्हें एक नवजात शिशु की बलि हरगिज नहीं देने दूंगा। तुम्हें फौरन इस देश को छोड़ना होगा। इस गौरव देश में तुम्हारी परछाई भी न पड़ने पाए। अपना काला जादू कहीं और चलाओ जहां तुम्हारे जैसे असभ्य गंवार हो। वो नवजात शिशु तुम्हारा है। खबरदार, बच्चे को मां से जुदा करूंगा, फिर कालदेव का निशान बनाकर उसकी बलि चढ़ाऊंगा। इस बात के लिए मैं तुम्हें फांसी दे सकता हूं। वैसी दरिंदा, ले जाओ इसे। बच्चे को मां से जुदा करो। हाथ पर कालदेव का निशान बनाओ और फिर बलि चढ़ा दो। आपका बच्चा हमारे कब्जे में है। गोपाल, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का विराट देश में स्वागत है। गुड। अब ये देखो, ये क्या भला है? क्या पागल हो? पिताजी, पिताजी भागो! मेरी टांग! नहीं, उसे दूर रहो वीर! नहीं! फिक्र मत करो। लेकिन अजीत तो मर गया। आज जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र मत करना, समझ गए ना? पूरे गांव में तुम अकेले हो जिसके पास अद्भुत शक्ति है जानवरों से बात करने और समझने की। ये एक अनोखा निशान है जो हमेशा तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तब तक मेरे पास अमानत हो, जाओ, जाकर कह दो कि बेचारा अजीत नहीं रहा, जाओ। जो अभी आया। वीर, ये देखो। चलता हूं। जोजो, अरे ये तो असुरगढ़ वाले हैं, हमारे दुश्मन हैं। असुरगढ़? अनोखा निशान है, इसमें एक राज छुपा है और यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। ये मेरी तलवार और ये अनोखा चक्र हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस कबीले की जिम्मेदारी तुम पर है वीर। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपने दुश्मनों की तलाश में गौरव देश जाना, वहीं पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। मैं समझ के अल्लाह रखा, तुम ही मुझे मंजिल तक पहुंचा सकते हो। चोर कहीं के कहाँ भाग रहे हो? अरे रुक जाओ। उसे छोड़ो, मेरी मदद करो। बैठे क्या हो? तुम्हारी वजह से ही मैं यहां फंस गया हूं। से तुम्हारा नाम सोनू, तुम्हारा मोनू, सोनू और मोनू मेरे दोस्त। असुरगढ़ वाले, हाँ हाँ अभी बचाता हूं। देखा, तुम मेरी आंखें हो। तुम दोनों चतुराई और ये है मेरी ताकत। तुम्हारा नाम है शेरू। डर गया सो मर गया, समझ गई ना। तुम्हारी जान बचाई है मैंने, मगर फिलहाल इतना ही काफी है। कौन हो तुम? वीर, मुझसे डरो नहीं। क्यों आए हो यहां? एक काम से। मेरे देश विराट को असुरगढ़ कबीले ने बर्बाद किया है, मुझे उनसे बदला लेना है, यही मेरी कसम है। तुम और अकेले? और तुम कौन हो? मैं रीटा हूँ, मैं दासी हूँ तांत्रिक पाशा की। कितना जालिम है, बेदर्द है। मैं एक दासी हूँ, मैं कर भी कह सकती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं हिफाजत करूंगा। ये नहीं हो सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गई तो मेरे परिवार को मार डालेंगे। तो मैं भी साथ चलूंगा। तुम मुझे भूलकर अपने दुश्मनों की तलाश करो, एक वीर जाबाज की तरह अपने मकसद में कामयाबी हासिल करो, फिर मिलेंगे। मैं चलती हूँ वीर। फिर मशवरा अच्छा है, चलो पीछा करते हैं। गई किधर? मगर गई किधर वो? हाँ, तुम्हारे साथ ही हिला रखा? दोस्ती की निशानी। छिप जाओ। निवासियों, मैं तुम्हारा शुभचिंतक महंत पाशा हूँ। मुझे ये विश्वास है कि तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करते रहेंगे। इसके बदले कालदेव असुरगढ़ कबीले के प्रकोप से सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। कालदेव इस बच्चे की बलि स्वीकार करें। कालदेव संतुष्ट नहीं है इस बलि से। अगर कालदेव की इच्छा पूरी नहीं हुई तो कोई नहीं बचेगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? No! देखा, कालदेव को तुम्हारे बच्चों की बलि चाहिए थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। हाँ। मेरी बच्ची, तू जिंदा है। मेरी नन्ही सी जान, तू जिंदा है। मेहरबान, मैं हूं केशव, हमेशा के लिए तुम्हारा दास। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, जो चाहे मांग लो। वहां एक लड़की थी पिरामिड पर, उसे पहचानते हो? हाँ, भी तरह की बात करो, लेकिन पहले कुछ जलपान कर लो। असुरगढ़ के कबायलियों ने गौरव देश के बहुत से नौजवानों को मार डाला और हमारे राजा जय पिरामिड में बंदी है। राजा का लड़का लापता है। तांत्रिक पाशा आजकल हमारा बेताज बादशाह बना हुआ है और तीनों चुड़ैले उसके साथ हैं। हमारे बच्चों के खून का प्यासा है जल्लाद। और वो लड़की, गुलाम लड़कियां, वो सब मंदिर में बंद हैं। उन्हें भी मार दिया जाएगा जल्दी ही। मुझे फौरन चलना चाहिए। रुको, केवल पुल ही एक रास्ता है। हमारे चारों ओर तारकोल की जानलेवा दलदल है। फिर किधर से आते असुरगढ़ वाले? उत्तर की ओर से, लेकिन तांत्रिक पाशा का कहना है कि वो फिर आने वाले हैं। ये तो अच्छा है। जलपान के लिए शुक्रिया। हाँ। फिर मिलेंगे। कालदेव जानना चाहते हैं अजनबी कहां से आया है, ये वीर जांबाज कौन है। ये अंगूठी तुम्हें उस तक पहुंचाएगी। आगे चलो। ये वही है, हाथ पर निशान भी है, उसे खत्म कर दो इसी वक्त। कर दो उसे खत्म, मार दो उसको। जानवर से बराबरी का मुकाबला करने पर ही इंसान को अपनी शक्ति का पता चलता है। उधर देखो। मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हारा है? हाँ, मेरा वफादार मित्र शेरू है। भविष्य में तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। जीवन एक चक्र है, उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। सुनो, तुम हो कौन? मैं वीर, विराट निवासी। लेकिन वहां तो सब मारे जा चुके हैं। अच्छी तरह जानता हूं, पर मैं अभी जिंदा हूं। हाँ। तुम कौन हो दोस्त, और कहां जा रहे हो? मैं हूं शक्ति, और ये राज। हमारा उद्देश्य कालदेव के मंदिर पर पहुंचकर पूजा पाठ करना है। मैंने तीर्थयात्रियों को कभी भी इस तरह लाठी चलाते हुए नहीं देखा। हाँ, मगर आत्मरक्षा के लिए तो इसका प्रयोग भी जरूरी है, विशेषकर अपनों की। ठीक कह रहे। वैसे मुझे भी कालदेव के मंदिर जाकर पूजा पाठ करना है। अच्छा इत्तेफाक है भाई, हमारी मंजिल अब एक है। गौरव देश छोड़े हुए 3 साल हो गए। गांव गांव घूम रहे हैं सेना तैयार करने के लिए, जो दुश्मनों से लड़ सके। राज अब बड़ा हो चुका है, इसे अब अपने पिता को दुश्मनों के पंजों से छुड़ाना है, यानी राजा जय को। मैं अभी गौरव देश से लौटा हूं। पाशा का बोलबाला है, उसे पराजित करना मुश्किल है। पाशा को छोड़ना ही होगा मेरे पिताजी को। जब तक राजा जय जीवित है हमारा साहस कम नहीं होगा। उनके आशीर्वाद से हम कुचल देंगे पाशा को। लेकिन तुम्हारे साथ ये जानवर क्यों रहते हैं? ये मेरे मित्र हैं। छोटी सी उम्र से ही मैं जानवरों की और जानवर मेरी भाषा समझ लेते हैं। मैं उनकी आंखों से देखता हूं और वो मेरी। ये मेरे विचार समझते हैं, मैं इनके। हमें एक दूसरे पर यकीन है। ये दोनों तुम्हें कहां मिले? ये दोनों बड़े चालबाज हैं। ये है मोनू, ये सोनू। ये चोरी करने में भी बड़े उस्ताद हैं। ये देखो इनके कारनामे, अंगूठियां, तरह तरह के पत्थर। चाहो तो अंगूठी रख सकते हो। ये सोनू होने के काम की नहीं है। शक्ति देखो कहां मिलाए। मुझे एक गुलाम लड़की मिली थी। झूठ, कासियां सब नहीं पहनती। यकीन करो मेरा, ये मोनू ने चुराया था। उस लड़की को मैं चाहने लगा हूं। उसकी जान को बचाना है। पाशा से। सुबह होते ही निकलना है। कौन है लड़की? मेरी रिश्तेदार रीटा। अब नहीं है मंदिर में तो कहां है? नदी के किनारे। कपड़े क्या पहने हैं? पांच औरतों ने सफेद, महंतों ने पहने हैं लाल कपड़े। क्या कहा? इनकी तो बलि चढ़ने वाली है। हमें बचाना होगा। मगर हम कैसे बचाएंगे? प्यारे मित्रों, ये काम है तो बहुत जोखिम भरा है, मगर नामुमकिन भी नहीं। जानवर को बुखार है। बांध दो इन्हें। जल्दी करो। हम लोग नहीं बचेंगे, नाव का वजन ज्यादा है। फेंक दो इन्हें। क्या मेरे पिताजी को छुड़ाओगे? जरा रीटा से कहो ना पूछने को। कहो, करोगे ना हमारी मदद? अभी तो मुश्किल है, फिलहाल और भी बहुत से काम है ना। लगता है मदद करेगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है। अब तो मदद करोगे ना? अब तो तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। अब हम मिलेंगे गौरवगढ़ में 2 दिन के बाद। क्या मदद के लिए उसे लोग मिल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलना पड़ेगा, मैं डरपोक हूँ। क्यों नहीं जाकर बता देती कि मैं तुम्हें नहीं मिला? ओ बाबा, चलता हूँ चलता हूँ। केशव, ये कौन सी जगह है? आवाज नहीं, हम शहर के नजदीक हैं। ये दोनों जिंदा हैं, मगर इस बार मुझसे नहीं बच पाएंगे। अब आ गए हैं ये मौत के मुंह में। जल्दी करो, उत्तर की ओर तुम लोगों की राह देखूंगा। खूनी दरिंदे थे। उधर से अब समझा कि गेट पर पहरेदार क्यों नहीं थे। आओ इसके नीचे। आप समझ में आ गया मेरे। यहाँ इंसानों को भयंकर यातना देकर उन्हें खूनी दरिंदा बनाते हैं। हमें चाबियां चुरानी होंगी। चोरी के काम में तो सोनू मोनू उस्ताद है। जाओ संभल के, पकड़े जाने पर पाशा इनकी खाल उधेड़ देगा। अब ये इसका खून निकालेंगे और फिर दिमाग को नष्ट करेंगे खतरनाक हरे तेजाब से। ऐसे ही खूनी दरिंदा बनता है। ये मनुष्य के रूप में हैवान है। चलना चाहिए राज। मगर सोनू और मोनू, उनकी फिक्र मत करो, अपने आप आ जाएंगे। चलो चले आओ। रीटा में हिम्मत है। इस किले के सारे गुप्त रास्ते उसे मालूम है। अच्छा देख के, वो मेरे पिताजी को अवश्य ढूंढ निकालेगी। अंदर है। चाबी लानी होगी। खुला है ये। शेरू, शेरू, राजन, मैं हूं रीटा। यही है जिसके हाथों तुम्हारी मौत होगी। सुबह होते ही इसकी बलि चढ़ा दूंगा। मार डालो। तुमने मेरे पिताजी को अंधा कर दिया, मार डालूंगा तुम्हें। राज, खबरदार है लड़की। बेटे राज, चल पाएंगे? हाँ। तुम आगे जाओ शेरू, जाओ। वीर, यहाँ से बाहर जाने का यही रास्ता है। जाओ, मेरी फिक्र मत करो तुम। वीर, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं, सोनू मोनू के बिना नहीं। जाओ, आ जाऊंगा मैं। लेकिन देरी से। वीर, एक रास्ता और भी है बाहर निकलने का। चलो। गेट तो बंद है, हमें कैसे भी निकलना ही होगा। क्या गेट के पीछे लोहे का भार है? हाँ। तुम दोनों को जाकर दरवाजे की रस्सी काटनी है। हाँ। मोनू, बचना मुश्किल है। दरवाजे की ओर चलो। हाँ। अंधा हो गया हूं पर हौसला अभी भी बुलंद है। 35 योद्धा ही सही लेकिन पाशा को खत्म करने के लिए काफी हैं। उसे और उसके खूनी दरिंदों को मरना होगा। फिर से गौरव देश पर हमारा कब्जा होगा और उनको मिलेगी मौत। नहीं, गौरव वापस जीतना हल नहीं है। पाशा के मरने के बाद असुरगढ़ कबीले वाले हमेशा के लिए हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं भुगत चुका हूं। जरूरत है फौज की। कौन है ये आदमी? हमारा हमदर्द वीर जांबाज, जिसकी भाषा जानवर भी समझते हैं। कृपया इसकी बात सुन लीजिए आप, इसी ने आपकी जान बचाई है। नहीं, ये सर फेरा है। जानवर ही जानवर की भाषा समझते हैं। मगर पिताजी, मुझे बुज़दिल आदमियों से सख्त नफरत है। जाओ, अपने जानवरों के साथ जाकर उनके बिल में घुस जाओ। तुम मेरे साथ चलोगी? कैसे चल सकती हूँ? हम साथ तो रह सकते हैं। ये भी संभव नहीं होगा। राजा ने तुम्हें निकाल दिया है, उनका विरोध करना मुश्किल है। मरने की ठान लिए? शायद यही भाग्य है वीर, अब कोई चारा नहीं। हाँ, हम मुट्ठी भर जरूर हैं, मगर बदले की आग में हमारा खून खौल रहा है। हमें अपने अपमान का बदला लेना है। मगर राजन, मेरे बहादुर साथियों, हम सुबह होते ही धावा बोल देंगे। राज हमेशा साथ में रहेगा मेरे, और मेरा मार्गदर्शन करेगा। राजा बच्चा नहीं रहा, उसे राजनीति के दांव पे समझने होंगे। शक्ति, तुम 15 योद्धाओं के साथ मुख्य द्वार पर धावा बोलोगे। जब तक उन लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर जाएगा, तब तक हम उत्तर की ओर से उन पर आक्रमण कर देंगे। विजय अवश्य हमारी होगी। पाशा को अपने कुकर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। धोखा हुआ हमारे साथ। पाशा को सब पता चल गया। बहुत साल पहले पाशा महारानी को मारकर हमारे बच्चे को उठाकर ले गया। उसके अत्याचार का पाप का घड़ा भर चुका है। अब शक्ति गौरव देश को पाशा के पंजे से छुड़ाना है। पाशा को मरना ही होगा। हम फंस चुके हैं। मदद की जरूरत है। सब लोग पकड़े गए। पाशा की विजय हुई। इसका मतलब रीटा भी? वो भी पकड़ी गई। महाराज शक्ति और राज के साथ उनकी शाम को बलि चढ़ाई जाएगी। तुम्हें सबको बचाना होगा। चलो। जय ने कालदेव की तौहीन की, इसलिए इसी वक्त इनकी बलि दी जाएगी। पहुंचा जय, तुम्हारा बड़ा लड़का आ पहुंचा है यहाँ फर्ज निभाने। बड़ा लड़का, देखता हूं ये कैसे निभाता है अपना फर्ज। ले, देख ले इसका अंत। दुश्मन असुरगढ़ कबीले वाले, हम मुकाबला करेंगे। नहीं, भाग चलो। क्या सोचते हो राज? हम मुकाबला करेंगे। हाँ, रस्सी खींचो, खाई को ढक दो, घोड़ों की मदद लो, घोड़ों की, खींचो, पूरी ताकत लगाओ, खींचो, शाबाश, खाई को पूरी तरह ढकना है, जल्दी करो। सब खाई की ओर चलो, शाबाश, जल्दी खाई को ढक दो। तुम भी खाई की ओर चलो, खाई में भरे तारकोल को मिट्टी से ढक दो, जल्दी करो, खाई ऊपर से जमीन जैसी दिखनी चाहिए। अब देखते हैं इन सब का हश्र। कामयाब होंगे। लगता है अल्लाह रखा अपने साथियों को ले आया। निकलते हैं यहाँ से। दरवाजा खोलो जल्दी। वीर जाबाज राज कैसा है? कुछ समय के लिए बायां हाथ काम नहीं करेगा। हाँ, फिक्र की बात नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूं। और हाँ, ये तुम्हारे नए राजा के लिए। गद्दी पर पहला हक तुम्हारा है, इसीलिए तुम ही राजा बनोगे। राज बहादुर है, तुमने उसे शिक्षा दी है, और फिर तुम्हारे जैसा योद्धा भी तो उसके साथ है। वो आसानी से हुकूमत करेगा। अरे वाह, हमारे नए राजा को जिंदगी मुबारक हो। वीर ये तुम्हारे लिए छोड़ गया है। वो गया